अलवर के किशनकुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की मुहिम निरंतर जारी है। किशनकुंड विकास समिति के पदाधिकारियों ने किशनकुंड, भैरवाकुंड, धोली छतरी के आसपास के क्षेत्रों में जाकर प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन जैसे कचरे को साफ किया। वहीं वन्य जीवों के लिए घातक सिद्ध हो रही इन पॉलिथीन को वहां से साफ किया गया और वन्य जीवों को में फैल रही बीमारियों की आशंका को देखते हुए उन्होंने यहां से इस कचरे को साफ किया। वहीं प्रदूषण बढ़ता नजर आ रहा है। आमजन से अपील करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि प्लास्टिक और पॉलिथीन को खाने से वन्य जीवों को कई महीनों के बाद मौत हो रही है, इसलिए वन विभाग की ओर से इस विषय पर ध्यान दिया जाना चाहिए। श्रद्धालु एवं पर्यटकों से भी अपील की गई है कि बाला किला वन्य स्थित क्षेत्रों में कचरा व गंदगी न फैलाएं। पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान में सभी पदाधिकारियों ने वन्य जीव क्षेत्र में बिखरी हुई प्लास्टिक की बोतलें, चाय पानी के गिलास, पॉलिथीन सहित अन्य कचरे को हटाया। परिंडा लगाओ पक्षी बचाओ अभियान भी निरंतर जारी है, जिसमें इस भीषण गर्मी में पक्षियों को बिना जल के दम तोड़ने ना पड़े, इसलिए सभी शहरवासियों ने अपने घर की छतों पर इस भीषण गर्मी में दाना पानी की व्यवस्था मुख पक्षियों के लिए की है। इस अवसर पर किशनकुंड विकास समिति के उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, बंटू भाई संरक्षक कैलाश चंद्र शर्मा, केजी गुप्ता, मोहनलाल शर्मा, कुंज बिहारी सैनी, भूपेश पवार, अमित वर्मा, महेंद्र प्रजापत, पूर्व आयकर अधिकारी विनेश कालरा, बबली भाई, ओम प्रकाश अरोड़ा, ओम प्रकाश सोलंकी, सत्यनारायण सोमवंशी, अशोक कुमार, बने सिंह गोपाल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार भी ये पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और इसमें एक नारा दिया गया है कि एक पृथ्वी। तो एक पृथ्वी में सभी जो पूरे विश्व के देश प्रेमी हैं, जिनको अपने देश से प्रेम है, वो अपने देश को स्वच्छ रखने का अभियान चला रखा है। इसी श्रृंखला में आज किशनकुंड विकास समिति ने भी ये किशनकुंड पे जो रोज घूमने आते हैं, इन्होंने एक अभियान चलाया है कि जो जितनी भी गंदगी है, प्लास्टिक है या और कोई गंदगी है, उसको साफ करना है। और ये लगातार 3-4 दिन तक चलने वाला है। 3-4 दिन में बिल्कुल सफाई हो जाएगी तो जो यहाँ पे घूमने आते हैं उनको भी अच्छा लगेगा और जो किशनकुंड विकास समिति के लोग हैं इनको भी अच्छा लगेगा। तो ये अभियान हमने आज से शुरू किया है और ये लगातार चलता रहेगा। किशनकुंड विकास समिति की ओर से लगातार सराहनीय और सामाजिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं। किशनकुंड विकास समिति के पदाधिकारियों की ओर से लॉकडाउन में भी जिस तरीके से वन्य जीवों की रक्षा की गई, वो भी एक अपूर्व शानदार एक ऐतिहासिक कार्यक्रम थे। इसी क्रम में हम लगातार पिछले कई वर्षों से किशनकुंड के लोग, सारे तमाम यहाँ के उपस्थित जितने भी गणमान्य लोग हैं, सभी यहाँ अपनी स्वेच्छा के अनुसार सफाई अभियान भी की शुरुआत भी कर चुके हैं। निरंतर इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग चलाते रहते हैं। अभी बीच में भीषण गर्मी में ध्यान रखते हुए परिंडे लगाए गए और आज भी हम लोगों ने लगातार ये सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से पर्यावरण दूषित हो जाता जा रहा है, जिस तरीके से प्लास्टिक की बोतलें और कचरे से जिस तरह से वन्य जीवों की लगातार निर्मम मौतें हो रही हैं, उन सभी से हमारा जो हृदय था वो इस समय ये कह रहा है कि हम सभी को बचाना है। वन्य जीवों की बचाने की जिम्मेदारी सभी लोगों की है, सभी जागरूक लोगों की है। किशनकुंड विकास समिति की ओर से लगातार सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे।